हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉलिड कैम फोर एक्सिस सिमल्टेनियस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात किया था सॉलिड कैम 2.5D मिलिंग का प्रोफाइल ऑपरेशन के द्वारा। हम इसमें रफिंग का एक सेंटर में टूल पाथ बनाए थे, ये टूल पाथ बनाया था सेंटर में, क्योंकि नीचे का विड्थ हमारा 25 mm है और ऊपर का 47 के आसपास है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या किया था। ऑपरेशन को ओपन करते हैं। ज्योमेट्री मेरे नीचे का कर्व है, ये नीचे का हमारा एरिया जो है विड्थ वो 25 mm है, हमने नीचे का लिया वो भी रैप में। यहाँ से एडिट करके देखें तो यहाँ पे दिखाएगा ये रैप में सिलेक्ट है। उसके बाद टूल लेवल, लेवल में अपर लेवल 100 और प्रोफाइल डेप्थ 30 mm यहाँ से लेके यहाँ तक। और उसके बाद फिर लिंक, लिंक में मैंने ज्योमेट्री में एक्सटेंड किया है 100 mm इस साइड और 10 mm दूसरी तरफ। उसके बाद मैंने यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सटेंशन लेड इन लेड आउट में यूज किया। उसके बाद सेव एंड कैलकुलेट, सॉरी यहाँ पे मेरे से छिड़ गया डेप्थ ऑफ कट। यहाँ पे 2 mm का स्टेप डाउन और सेव एंड कैलकुलेट। अभी ये रफिंग कंप्लीट नहीं है क्योंकि अभी 25 mm का ही विड्थ बना हुआ है, 25 mm सॉरी 20 mm। अभी दोनों साइड बहुत ज़्यादा मटेरियल है, हम इसको चेक करेंगे। सिमुलेट, सॉलिड वेरीफाई और यहाँ से रेस्ट मटेरियल कैलकुलेट कर रहा थोड़ा सा। देख रहे नीचे कम मटेरियल है, इधर 10 mm से ज़्यादा है और इधर भी है 10 mm के समथिंग। अब हम आते हैं सॉलिड के मल्टी एक्सिस। यहाँ पे हम ऑपरेशन लगते हैं सिमल्टेनियस 5 एक्सिस मिलिंग। और उसके बाद यहाँ से ऑपरेशन सेलेक्ट करेंगे मोर्फ बिटवीन टू बाउंड्री कर्व। ये जो ऑपरेशन है ये सारे HSS में मैंने बताया हुआ है, आप उसमें से देख सकते हैं। ये सेम ऑपरेशन है, बस वहाँ पे 3 एक्सिस यूज करना है, यहाँ पे 4 एक्सिस 5 एक्सिस यूज करना है। तो हमने ऑपरेशन 5 एक्सिस लिया है, लेकिन 4 एक्सिस और 5 एक्सिस का ऑपरेशन सेम है, केवल मशीन सिलेक्शन का डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे लेते हैं मोर्फ बिटवीन टू बाउंड्री कर्व। उसका ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में हम ड्राइव सरफेस पहले देंगे। ड्राइव सरफेस में मेरा ये रहेगा, ये सरफेस। उसके बाद ओके, और यहाँ से स्टार्ट एज कर्व। स्टार्ट कहाँ से करना है वो देना है हमें, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है ऊपर वाले कर्व से। उसके बाद कुछ नहीं, सीधा यहाँ से ओके करना है, ओपन चेन में बनेगा। उसके बाद ओके, उसके बाद नीचे एंड एज कर्व, तो नीचे वाला एज पकड़ेंगे यहाँ से। उसके बाद ओके करेंगे, उसके बाद ओके, टूल लेंगे हम यहाँ से सेलेक्ट, एड मिलिंग टूल। हम यहाँ से बुल नोज मिल लेते हैं क्योंकि थोड़ा वो हमारा वॉल टेपर में है 10 डिग्री। तो हम यहाँ से 20 डायमीटर का ले लेते हैं R2 के साथ। और इसके बाद हम नंबर ऑफ फ्लूट 4 देते हैं हम। उसके बाद ओके, यहाँ से इसकी डाटा फीड आर पे हम जांच देते हैं ताकि हमारा टाइम कम लगे, 2000 की फीड देते हैं, सिमुलेशन में टाइम कम लगेगा। उसके बाद अभी हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा सेव एंड कैलकुलेट करेंगे। हम एक एक ऑप्शन के बारे में इसमें देखेंगे कि ऑप्शन ये 5 एक्सिस में बहुत ज़रूरी होता है। देखिए टूल पाथ तो बन गया है, लेकिन ये प्रॉपर टूल पाथ है नहीं। इसको चला के देखेंगे तो बहुत जगह देखिए इधर से घुस रहा है, इधर इधर ज़्यादा, इधर बाहर आ रहा है। इसको हम नॉर्मली ऐसे प्ले करके देखते हैं। सिमुलेट,
बिल्कुल मॉडल को काटता हुआ जा रहा है। इसको ऑपरेशन को ओपन करते हैं पहले। ओके इसमें हम ज्योमेट्री से आते हैं। ज्योमेट्री में हमारा अभी हो रहा है फुल अवॉइड कट्स एंड एग्जैक्ट एज। इसके बाद टूल लेवल, लेवल में हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे प्लेन नहीं है, यहाँ पे सिलेंडर है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेंज करेंगे सिलेंडर। स्पेयर होता तो स्पेयर लेते और प्लेन होता तो प्लेन लेते, लेकिन अभी ये मेरा सिलेंडर है तो हम सिलेंडर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू है रेडियस वैल्यू, हमारा डायमीटर 200 है तो उससे ज़्यादा ही रखते हैं, तो 200 तो हम 300 150 में रेडियस डाल देते हैं यहाँ पे रिट्रैक्शन के लिए। उसके बाद ये है पैरेलल टू एक्स, जो हमारा सिलेंडर है उसका इस साइड वाला डायरेक्शन कौन सा, एक्स है वाई है जेड है, तो हमारा एक्स है देख रहे हैं ये। उसके बाद हम आते हैं ज्योमेट्री में, यहाँ पे ड्राइव ऑफसेट है, फिनिशिंग अलाउंस छोड़ना है, तो उसके लिए 0.5 के मैंने यहाँ पे अलाउंस दे दिया। लेवल हो गया हमारा। उसके बाद टूल पाथ पैरामीटर, यहाँ पे स्टेप ओवर, हम अभी 2 mm का स्टेप ओवर देते हैं। उसको सॉर्टिंग, सॉर्टिंग में जिग जैग और स्पायरल और वन वे मॉडिफाई एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पे। और उसके बाद टूल एक्सिस कंट्रोल, हम उससे पहले एक बार सेव एंड कैलकुलेट करेंगे। सिमुलेट सॉलिड वेरीफाई, ये बिल्कुल क्रैश हो रहा है, जाके देख रहे हैं कैसे किस तरह से। इसको क्लोज करते हैं, हम चाहें तो इसे 2 मिनट में बना सकते हैं, लेकिन हम दिखाने के लिए एक एक ऑप्शन को ऑन कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी हम टूल एक्सिस कंट्रोल में हैं, यहाँ पे आएगा 4 एक्सिस 5 एक्सिस, वो जब आएगा 5 एक्सिस की, जब हम 5 एक्सिस मशीन लेंगे, लेकिन हमने मशीन यहाँ पे लिया है 4 एक्सिस। मेरा AVW के अनु का 4 एक्सिस मशीन है, इसको क्लोज करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ कैम पार्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, मेरा 4 एक्सिस मशीन है। जब 5 एक्सिस लेंगे तो हमें 5 एक्सिस का भी ऑप्शन आएगा। हम ऑपरेशन को ओपन करते हैं, और यहाँ से 4 एक्सिस मशीन सिलेक्शन है मेरा। उसके बाद हम जाते हैं रोटरी एक्सिस, रोटरी एक्सिस में पूछेगा कि जो आपका एक्स है वो किस तरफ है। हमारा रोटरी एक्सिस एक्स के अबाउट रोटरी लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट रोटरी एक्सिस इसको ऑन रखेंगे, और 5 एक्सिस को यहाँ पे 0 डिग्री में करके लॉक करेंगे, यहाँ पे 0 डिग्री। उसके बाद ओके, अभी लिंक में हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद सेव एंड कैलकुलेट, अब जहां तक कुछ सही है उसके बाद सिमुलेट करते हैं, सॉलिड वेरीफाई और प्ले। अभी सही चल रहा है बिल्कुल। उसके बाद हम लिंक को भी थोड़ा कंट्रोल करते हैं। उसके बाद यहाँ से करेंगे ऑपरेशन को ओपन, डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पे। टूल एक्सिस कंट्रोल में अगर जो हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट नहीं रखेंगे और ओके करेंगे, तो यहाँ पे आएगा लैग एंगल टिल्ड एंगल, लेकिन ये 4 एक्सिस में इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता है, इसलिए लैग एंगल जब ही काम करेगा जब टिल्ड एंगल हो। टिल्ड एंगल जब काम करता है, जब हमारे वो 5 एक्सिस मशीन होती है उसमें हमारा हेड चेंज हो जाता है, इंडेक्स होता है, तभी हम इसको पॉइंट टू पॉइंट में कटिंग करेंगे 0 डिग्री में। उसको तो ओके, हम लिंक पे आते हैं, और यहाँ से लिंक पे गए,
यहाँ से 500% ज्योमेट्री में हमारा 0.5 का ऑफसेट है, हम 0.7 रख लेते हैं यहाँ पे, उसको 7 कैलकुलेट करेंगे। अभी लिंक हमारा बिल्कुल खत्म हो गया, कहीं भी नहीं उठ रहा, टूल प्रॉपर कटिंग कर रहा है। राइट क्लिक, एडिट, थोड़ा मैं टूल पाथ को एक्सटेंड करता हूँ ताकि बाहर आ जाए। मॉडिफाई, एक्सटेंड, ट्रिम, ऑन किया इसको, 25-25 एम दोनों साइड एक्सटेंड करते हैं इसको। ओके, उसके बाद 7 कैलकुलेट, सिमुलेट, सॉलिड वेरीफाई और उसके बाद प्ले। देख रहे हैं आप इसमें जैसे जैसे नीचे जाएगा वो इस तरफ बाहर आता जाएगा। हमें डायरेक्ट चेक करना था, हम यहाँ पे इसको पॉज करेंगे, हम सीधा रेस्ट मटेरियल चेक करेंगे। ये थोड़ा कैलकुलेट टाइम लेगा इसमें। ये 4-5 एक्सिस में थोड़ा टूल पाथ कैलकुलेट करने में टाइम लग जाता है। वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। 32% अभी हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली ये कैलकुलेट हो गया है और हम इस पे आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पे मटेरियल चेक करते हैं। -0.1 में यहाँ पे, ओके, ये हर जगह मटेरियल कितना स्टॉक है वो हम चेक करते हैं यहाँ से वैल्यू डाल के। 0.5, अभी 0.5 से ज़्यादा है मटेरियल, 0.7, बॉटम में 0.5 है, यहाँ पे साइड में मैंने वॉल पे 0.7 दिया था, 0.7 से ज़्यादा है। इसको ओके करते हैं, इसको यहाँ से क्लोज करते हैं और हम इस साइड की रफिंग करते हैं इस वॉल की। तो हम इसी ऑपरेशन को कॉपी कर लेंगे यहाँ से, राइट क्लिक कॉपी, ताकि हमें कुछ नहीं आगे नहीं कुछ करना पड़े इसमें। पेस्ट, इक्वल ड्राइव सरफेस और स्टार्ट और एंड कर्व चेंज करेंगे। ज्योमेट्री ये ओके, उसके बाद स्टार्ट एज कर्व ये ओके, उसके बाद यहाँ से एंड एज कर्व उसके बाद ओके करते हैं यहाँ से। यहाँ इधर भी मैंने 0.7 का वो वॉल ऑफसेट दे दिया, टूल सेम है, बाकी सब कुछ सेम है और हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 7 कैलकुलेट, मेरा रफिंग के 3 टूल पाथ कंप्लीट हो गए, तीनों रफिंग का ही टूल पाथ है। ये रफिंग कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम फिनिशिंग करेंगे। हम इसको पहले सिमुलेट करते हैं, राइट क्लिक सिमुलेट,
सॉलिड वेरीफाई, उसके बाद पहले जैसे जैसे डेप्थ लगाए इसकी लेंथ आगे बढ़ती जाएगी, यहाँ तक ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, एक्स्ट्रा मटेरियल है। इसको यहाँ से पॉज करते हैं, बिल्कुल सही चलेगा। तो फ्रेंड्स इसकी फिनिशिंग का टूल पाथ हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।